मारा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, एक सर्किट दे दिया गया, उसमें हम लोगों को करंट की वैल्यू निकालनी है। तो किसी सर्किट में करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? तो सर्किट में करंट की वैल्यू मतलब ये इस पूरे सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकालना है, तो वी इज इक्वल टू आई आर पूरे सर्किट के लिए लगा देते हैं। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। दिस इज अप्लाई फॉर टोटल सर्किट। टोटल सर्किट का आपके पास वोल्टेज 2 है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस अननोन है, तो इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो 3, एंड दिस 3 इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो कनेक्टेड इन सीरीज 3 कितना हो गया 6। तो ये सर्किट हमें कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए और ये 6 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया, और इधर से प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ से अब नेट रेजिस्टेंस आर की वैल्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल में है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यह आ जाएगा 9, तो 3 3 9 और 3 2 6, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, बैटरी 2 वोल्ट की थी, तो करंट आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, वोल्टेज 2 रेजिस्टेंस 2, दैट इज 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। दैट इज हम लोगों का इसमें से बी ऑप्शन सही है। तो आसान क्वेश्चन था ये। फ्रॉम द गिवन